वेलकम टू एनके क्लासेस। हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पिछले दो वीडियो में स्ट्रेस और स्ट्रेन देख चुके थे। आज हम बात करेंगे हुक्स लॉ की। हुक्स लॉ के पहले हम इलास्टिक लिमिट एंड इलास्टिसिटी को समझ लेते हैं। सो इलास्टिक लिमिट क्या होता है और इलास्टिसिटी क्या होता है, सबसे पहले इसको देखते हैं। होता क्या है कि जब भी हम किसी भी बार पे फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स के कारण उसमें कुछ इलोंगेशन आता है। बट जैसे ही हम उस फोर्स को रिमूव करते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। अब जब वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा फोर्स रिमूव करने के बाद, तो अगर ऐसा कोई मटेरियल फॉलो कर रहा है तो वो किस लिमिट पे होगा, उसकी इलास्टिक लिमिट पे। मींस जब भी हम फोर्स रिमूव करेंगे और वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा तो ऐसी लिमिट को हम क्या बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट। और जो प्रॉपर्टी होती है उसको क्या बोलते हैं हम, इलास्टिसिटी। नाउ अब हुक्स लॉ क्या होता है कि विथ इन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। मीन्स जो आपका स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा स्ट्रेन की। अब प्रोपोर्शनल है, जब हम इसको इक्वल करेंगे तो हम एक कॉन्स्टेंट लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा ई, वेयर ई इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये जो ई है ये कॉन्स्टेंट होता है हर मटेरियल के लिए। नाउ इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं, तो ई क्या हो जाएगा हमारा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। नाउ स्ट्रेस की यूनिट होती है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, एंड एप्सिलॉन जो स्ट्रेन होता है उसकी कोई यूनिट नहीं होती, वो यूनिटलेस होता है। सो ई हैज सेम यूनिट एज डेट ऑफ स्ट्रेन। सो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, जो कि क्या होती है, स्ट्रेस की होती है। नाउ ई की यूनिट क्या लिख सकते हैं हम, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अदर यूनिट की बात करते हैं तो ई की अदर यूनिट हम क्या लिखते हैं, जीपीए, गीगा पास्कल। अब चेंज करते हैं तो 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर कितना था हमारा, 1 मेगा पास्कल। अगर हम इसमें 10^3 दोनों साइड इंटू करते हैं तो ये हमारा 10^6 है, तो 10^6 लिख सकते हैं मेगा को, और 10^3 हमने दोनों साइड इंटू करा तो ये हमारा क्या बन जाता है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब ये जो 10^9 हो जाएगा तो 10^9 को हम क्या लिख सकते हैं, गीगा पास्कल। सो हमारा कन्वर्जन क्या निकल के आया, कन्वर्जन ये आया कि जो आपका 1 गीगा पास्कल होता है वो 10^3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है। अगर ई की वैल्यू की बात करें, सो जैसे कि हर मटेरियल के लिए ई जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो अगर स्टील की बात करें, माइल्ड स्टील की बात करें ई की वैल्यू, सो माइल्ड स्टील के लिए ई की वैल्यू कितना होती है, अप्रोक्स 2 × 10^5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब इसको हम 200 GPa भी लिख सकते हैं। सो आपको दोनों यूनिट ध्यान में रखना है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर भी यूनिट ध्यान में रखना है और गीगा पास्कल भी ध्यान में रखना है। उन कन्वर्जन कैसे करेंगे, जो आपका 1 गीगा पास्कल होता है वो होता है 10^3 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर।
सो हुक्स लॉ क्या बोलता है कि जो आपका स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के विथ इन इलास्टिक लिमिट तक. इलास्टिक लिमिट क्या होती है कि जब भी हम मटेरियल को स्ट्रेच करेंगे फोर्स लगाएंगे तो वो इलोंगेशन होगा मटेरियल में, और जैसे ही हम फोर्स रिमूव कर देंगे तो वो उसकी ओरिजिनल पोजिशन पे आ जाएगा. अगर मटेरियल ये फॉलो करता है तो वो किस लिमिट तक है, इलास्टिक लिमिट तक, वो जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी हो जाएगी, इलास्टिसिटी. नाउ इलोंगेशन कैसे निकालते हम किसी भी मटेरियल में या किसी भी बार में, तो यहां पे देखिए अभी हमने देखा कि जो स्ट्रेस है वो क्या होता है, ई इंटू एप्सिलॉन. नाउ स्ट्रेस की वैल्यू क्या होती है, पी बाय ए इंटू ई. एप्सिलॉन क्या हो जाएगा हमारा, डेल एल बाय एल. हमको डेल एल की वैल्यू चाहिए तो डेल एल हमारा कितना हो जाएगा, इधर देखिए एल इधर जाएगा तो पी इंटू एल डिवाइडेड बाय ए इंटू ई, और सिंपली हम इसको लिख सकते हैं डेल एल इज इक्वल्स टू पी एल बाय ए. सो इलोंगेशन इन द बार कितना आ जाता है, पी एल बाय ए, वेयर पी इज फोर्स इन न्यूटन, जो आपका पी ए फोर्स होता है न्यूटन में, एल जो है वो लेंथ ऑफ बार होती है इन, इसको हम एमएम में कंसीडर करते हैं. ए जो होता है वो आपका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है इन एमएम स्क्वायर. ई जो है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है जो कि कांस्टेंट होती है हर मटेरियल की, और इसकी यूनिट हम क्या लेते हैं, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. सो तो जो हमारा डे ले ले उसकी यूनिट क्या जाएगी, एमएम में. सो हमारा इलोंगेशन निकल जाएगा किस में, एमएम में, बाय यूजिंग डेल एल इज इक्वल्स टू पी एल बाय ए. अब हम स्ट्रेस और स्ट्रेन के कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं कि हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं. सो फर्स्ट न्यूमेरिकल हम लेते हैं, ए रोड ऑफ 150 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल पुल ऑफ 20 किलोन्यूटन इफ द मॉडुलस ऑफ द मटेरियल इज 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. डिटरमाइन स्ट्रेस स्ट्रेन एंड इलोंगेशन. सो सबसे पहले हम गिवन देख लेते हैं हमको क्या क्या गिवन है. सो गिवन क्या है, जो आपकी रोड की लेंथ है वो कितनी है, 150 सेंटीमीटर, इसको हम एमएम में कंसिडर कर लेते हैं. सो ये हो जाएगा हमारा 1500 mm. जो आपका डायमीटर है वो कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर, तो इसको भी हम एमएम में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20 mm. नाउ जो आपका फोर्स है वो गिवन है आपको 20 किलो न्यूटन, इसको हम न्यूटन में कर लेते हैं तो इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन. ये आपको गिवन है 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. सो फर्स्ट आपको फाइंड करना है स्ट्रेस. आपको पता है स्ट्रेस कैसे निकलेगा, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू पी बाय ए. आपका फोर्स कितना गिवन है, 20 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन में डिवाइडेड बाय आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया. अब यहां पे देखो ये डायमीटर गिवन है तो एरिया कैसे निकलेगा, पाई बाय 4 इंटू डी स्क्वायर. डी की वैल्यू हम रख सकते हैं, डी हमारा कितना है, यहां पे देखिए 20 mm, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर. अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं, जो 20 इंटू डिवाइडेड बाय 7, तो ये आ गया आपका 63.66, और आंसर क्या जाएगा, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. क्योंकि यहां पे जो आपका फोर्स है वो आपका न्यूटन में है और जो आपका एरिया है वो आपका एमएम स्क्वायर में. सो आंसर क्या जाएगा, 63.66 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर. दूसरा हमको क्या फाइंड करना है, स्ट्रेन. सो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू क्या होता है, ई इंटू एप्सिलॉन. ई आपको गिवन है, स्ट्रेस आपने निकाल लिया तो स्ट्रेस हो गई आपकी 63.66. ई आपको गिवन है 2 इंटू 10 की पावर 5 इंटू एप्सिलॉन. सो एप्सिलॉन कितना हो जाएगा, 63.66 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 की पावर 5. सो 63.66 डिवाइडेड बाय 2, सो ये आ जाएगा आपका 3 × 10 की पावर माइनस 4. सो ये आ गया हमारा क्या, स्ट्रेन. लास्ट हमको निकालना है, लास्ट हमको क्या निकालना है, इलोंगेशन निकालना है. सो स्ट्रेन क्या होता है, डेल एल बाय
एल, इस टेन हम निकाल चुके हैं, थ्री टेन की पावर माइनस फोर इज इक्वल्स टू डेल एल निकालना है। एल आपको गिवन दे रखा है 1500 mm, सो जो भी हमारा आंसर आया है उसमें हम 1500 इंटू कर देंगे, तो ये आ गया हमारे पास डेल एल 0.477 mm। सो इस तरीके से हमने स्ट्रेस निकाला, फिर स्ट्रेन निकाला और फिर इलोंगेशन निकाला। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसका। सो सेकेंड क्वेश्चन में हमको पूछा है फाइंड द मिनिमम डायमीटर ऑफ ए स्टील वायर विच इज यूज टू राइज ए लोड ऑफ 4000 न्यूटन इफ द स्ट्रेस इन द रोड इज नॉट टू एग्जिट 95 MPa। सो हमको क्या क्या यहाँ पे गिवन दे रखा है, हमको लोड गिवन है 4000 न्यूटन और हमको स्ट्रेस गिवन है 95 MPa। नाउ यहाँ पर 95 MPa है तो इसको हम लिख सकते हैं न्यूटन पर mm स्क्वायर, क्योंकि हमको पता है कि 1 MPa कितना होता है 1 N/mm², ये हम देख चुके थे कन्वर्जन। अब जो आपका स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, पी बाय ए। सो सबसे पहले हम एरिया निकाल लेंगे और एरिया से हमको क्या मिल जाएगा, हमारा डायमीटर। सो स्ट्रेस कितना गिवन है 95, लोड कितना गिवन है 4000 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारा एरिया। सो एरिया आ जाएगा हमारे पास 4000 डिवाइडेड बाय 95। सो एरिया हमारे पास आ गया 42.10। नाउ एरिया, अब यहाँ पे देखो डायमीटर पूछा है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा हमारे पास, पाई बाय 4 D². सो हमारे पास उसका डायमीटर आ जाएगा 7.32 mm। तो सिंपल था फ्रेंड्स, हमारे पास लोड गिवन था, हमारे पास स्ट्रेस गिवन था और हमको डायमीटर पूछा था कि जो रोड है उसका डायमीटर कितना होगा। सो हमको पता है कि स्ट्रेस इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। स्ट्रेस हमने रखा, ये हमने न्यूटन में रखा, एरिया निकाला और जैसा कि रोड है तो एरिया कितना हो जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई बाय 4 D². सो हमको डी की वैल्यू निकालना थी जो कि कितना आ गया 7.32 mm, क्योंकि हमने एरिया काय में रखा था mm². ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेव स्ट्रेस फॉर ए होलो स्टील कॉलम विच कैरीज एन एक्सियल लोड ऑफ 2.1 × 10³ kN इज 125 MPa। इफ द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द कॉलम इज 30 cm डिटरमाइन द इंटरनल कॉलम। सो यहाँ पे हम गिवन लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है। सो हमको एक्सटर्नल डायमीटर गिवन है कॉलम का 30 cm, इसको हम mm में कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 300 mm। हमको स्ट्रेस दे रखी है, स्ट्रेस यहाँ पे कितनी गिवन है 125 MPa, इसको हम क्या लिख सकते हैं 125 N/mm². आगे बढ़ते हैं, हमको लोड कितना गिवन है 2.1 × 10³ kN में गिवन है, तो इसको हम काय में चेंज कर सकते हैं, न्यूटन में। सो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 2.1 × 10⁶ N। हमको इंटरनल डायमीटर फाइंड करना है जिसको हम स्मॉल डी कंसीडर कर सकते हैं और ये हम काय में लेंगे mm में। नाउ जब भी अब हमको क्या यहाँ पे होलो कॉलम दे रखा है तो होलो कॉलम के लिए जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लिखेंगे वो कितना लिखेंगे, पाई बाय 4 × एक्सटर्नल डायमीटर का स्क्वायर माइनस इंटरनल डायमीटर का स्क्वायर। नाउ वी नो डेट स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो आपके स्ट्रेस और फोर्स की वैल्यू हम रख सकते हैं यहाँ पे। सो स्ट्रेस कितना है 125, लोड हमारे पास कितना है 2.1 × 10⁶, यहां से देख लीजिए 2.1 × 10⁶,
डिवाइडेड बाय पाई बाय 4 इंटू डी स्क्योर माइनस डी स्क्योर। अब हम इसमें डी स्क्योर की वैल्यू, एक्सटर्नल डायमीटर हमारे पास गिवन है, एक्सटर्नल डायमीटर हमारे पास कितना गिवन है 300 mm, सो हम 300 mm रख सकते हैं। अब हमको स्मॉल डी की वैल्यू चाहिए, तो हम सोल्व करके स्मॉल डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि हमारे पास कितनी आ जाएगी 261.9 mm। अब ये mm में है, हमको सेंटीमीटर में निकालना है, तो यही कितनी आ जाएगी 26.19 cm। सो इस तरीके से हम उसका इंटरनल डायमीटर फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे बस आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जब भी आपको होलम बार या होलो कॉलम दे रखा हो, तो वहां पे क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना लिखना है, पाई बाय 4 इंटू एक्सटर्नल डायमीटर का स्क्योर माइनस इंटरनल डायमीटर का स्क्योर। अगर यही चीज सॉलिड की होती तो वहां पे एरिया कितना हो जाएगा, पाई बाय 4 इंटू डी स्क्योर। ये आपका सॉलिड के लिए होता है और ये आपका होलो कॉलम के लिए होता है या होलो बार के लिए होता है। सो गाइज, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और एनके क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने इसके दो एक प्लेलिस्ट बना ली है जिसमें हमने स्ट्रेस और स्ट्रेंथ पहले ही पढ़ लिया है, तो अगर आपने वो नहीं देखा हो तो प्लीज वहां पे जाइए और पहले उनको देखिए, उसके बाद यहाँ पे आके न्यूमेरिकल कर लीजिए। थैंक यू।